हजूर अपने हुजरे अंदर बैठे हुए ने। एक नौजवान रोंदा रोंदा गौस पाक दे कोल आ गया, आखन लगा बाबा जी राती मेरा बाप मैनू ख्वाब विच मिलिया है, उन्हों जहन्नम की अग ने साड़िया होया है, उहदी कबर विच जहन्नम की अग भी बलदी है, मैनू ख्वाब विच मिलिया है। आंदा पुत्रा तेरा बाप बड़ा परेशान है, हे मेरिया शहजादिया कबर का अजाब बड़ा डाडा है, हे मेरिया पुत्रा सुबह जावी बगदाद आले पीर कोल जाना है, गौसे आजम तो बचो जी गौसे आजम कोल जाना है, अब्दुल कादर जिलानी कोल जाना है, उथे जाके उस अल्लाह वाले नू आखना है तुसी अल्लाह आले हो अल्लाह तुहाडा है तुसी अल्लाह दे हो मेरे अबे दे हक विच दुआ कर यारे। सियालकोट विच बैण आलियो बूंगे दी जामिया मस्जिद विच आउण आलिया जुमले जाया ना कर जाया रे। हजूर गौस पाक दे मुसल्ले दे सामने बह गया है, हजूर गौस पाक फरमांदे ने बच्चिया तेरा अब्बा मेरा मुरीद है। आंदा हजूर ना ना, फरमाया मेरे आस्ताने ते आया है। हजूर ना ना, फरमाया मैनू वेखिया है, सुनी सुनी मैनू वेखिया सो। आंदा हजूर मैनू नहीं पता, हवा फरमान लगे मेरी गली चो गुजरिया है। आखन लगा हजूर मैनू इलम कोई नहीं, इत्थे बाबा जी जुमले सुने आ रहे। हजूर गौस पाक ने हाथ चुक लेने, फरमाया पुत्रा जा सौ जा, सुबह आके मैनू दसी तेरे बाप नाल की बनी। इधरों ये गया है, जनाबे गौस पाक ने मुसल्ला पा लिया है, मुसल्ला पा के नफल पढ़ी जा रहे ने। आए हाय नफल पढ़ी जा रहे ने, नफल पढ़ी जा रहे ने, ते नाले आंदे होने ने रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम बगदा, तवज्जो जी हर दम बगदा तेरा है जे एक कतरा। अज मंगो दुआ पता नहीं किदे ते अल्लाह दी रहमत हो जाए, किदे ते अल्लाह दा फजल हो जाए। है जे एक कतरा है बखे छे सानो ते कम बन जांदा साडा। मुक गए जी गल जी, इधर वेखो मेरे वाल। आपने तहज्जुद तक दुआ कर दे रहे, या अल्लाह मैनू चंगा समझ के आया है, मैं उंज चंगा तो नहीं, जे तेरी मखलूक मैनू चंगा समझदी है। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी दे अल्फाज जे, ते मौला तू तो जानना ना मेरी तेरे अगे वे, इन्हां दी मेरे अगे ते मेरी तेरे अगे, या अल्लाह इहदे बाप नू बख्श दे। रात पई ख्वाब विच बाप आया, उन्हें कहा पुत्र जा जाके ना हजूर गौस पाक नू मुबारक दे। उन्होंने कहा तुहाड़ी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, अल्लाह ने मेरे कब्र के अजाब को नजात दे छड़ी है। बाबा जुमले सुने, वह दौड़ा दौड़ा आया फजर तो बाद, हजूर मेहरबानी। हजूर गौस पाक फरमान कह दी, हजूर तुसी दुआ की मेरे अबे का छुटकारा हो गया। आप फरमान मैं कौन हाँ, करन वाला तो वे, करन वाला कौन है अल्लाह, करन वाला कौन है कुछ ही बोलो, करन वाला कौन है अल्लाह, असी कुछ नहीं, असी कुछ नहीं। मेरा दिल है कि मैं चंद गल्लां हजूर गौस पाक दियां सुनावां। हजरत अब्दुल कादर जेलानी महबूबे सुबहानी, ये सैयद जादे ने जी, सैयद ने, हसनी भी ने तो हुसैनी भी ने। इन्हां दा शजरा नसब बाप वालों ये हसनी ने ते माँ वालों हुसैनी ने। हजरत अब्दुल कादर जेलानी महबूबे सुबहानी, बड़ा मकाम है। आप छोटे जे सन बच्चे जे, ऐ सुनियो लोग कहते ने एवं पीर बन जाते, मैं क्या पीर जिहड़ा दो नंबर पीर ना वो तो एवं बन जाता, असीं कहने वो बन गया होगा, लेकिन जिहड़े हकीकत दे अंदर अल्लाह दे वली ने ना, उन्हां बड़ियां मेहनतां कीतियां ने, उन्हां बड़ियां मुशक्कतां कीतियां ने, दिन रात उन्हां अल्लाह की इबादत की है। मैनूं ईमानदारी नाल दसो, आ सारे बैठे हो तुसीं, कुरान दे अंदर असहाबे काफ दा वाकया नहीं है, है वे पूरी सूरत है, सूरत काहफ। कुरान कह रहा है कि वो चंद लोग सन जिहड़े गार दे अंदर सन, उन्हां दे नाल कोई कुत्ता भी आया सी, बोलो है सी, कुत्ते दा जिक्र कुरान में आया,
आया ना कुत्ता ते पलीद है। कुरान में अल्लाह पाक किताब दे अंदर अल्लाह उस कुत्ते दा जिक्र कर रहा है। एक बारी नहीं कीता, किन्नी बारी कीता है? अब वजह की बनी बाबा जी, पहला तो उस कुत्ते नु कोई नहीं सी जानदा। जदों वह वलिया के बूहे अगे बैठा ना गार दे अगे, किन्ने सौ साल वह अंदर सुते रहे ने, ये कुत्ता बाहर। इधर वेखो कुरान की तफसीर पढ़ के वेखो, अलामा इस्माइल हकी तफसीर रूहुल बयान अंदर लिखते हैं कि जदों अंदर वह अल्लाह के वली करवट बदलते सन तो कुत्ता बाहर करवट बदलता सी। आए हाय, उन्हें वफा की थी। जे कुत्ता हो के अल्लाह के वलिया नाल वफा करे तो अल्लाह कुरान अंदर जिक्र लै आता, तो जे बंदा हो के वफा करे तो समझियो मेरी गल, तो जरा गौर करियो एक मिनट वास्ते। यार केड़ी जरूरत सी कुत्ते दा जिक्र कुरान विच आउण दी? अल्लाह उन्हां वलियां दा जिक्र कर छड़दा। अल्लाह फरमांदा उन्हां दे नाल इक कुत्ता भी सी, खलब भी सी। या अल्लाह उहदी की शान है? अल्लाह फरमांदा उह वलियां दे संग लग गया, उह मेरे वलियां दे संग लग गया। बाबा जी अल्लाह दी इज्जत दी कसम, जिहड़ा नेकां दे संग लग जाए उह भी नेक हो जांदा जी। ताइयों ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्ला अलैह ने कलम उठाई है ते मियां साहब फरमांदे ने, कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लैंदा रहंदा, ओए पक्का रंग मेरे मुर्शिद वाला ते जेड़ा चढ़िया फिर नहीं लेंदा। अगर एक कुत्ता योगे अल्लाह दे वलियां दे संग लग जाए, गार दे बूवे अगे बह जाए, मैनू ईमानदारी ना दसिया जाए, अल्लाह कुत्ते दा जिक्र कुरान अंदर करदा है, अल्लाह ओदा मकाम दसदा है, अल्लाह ओदा मर्तबा दसदा है। जेड़ा कुत्ता वलियां दे गार अगे बह जाए ओ जन्नती है, ते जेड़ा बंदा योगे वलियां दे बूवे अगे बह जाए ओ भी जन्नती है। तवज्जो करे, अज गल बड़ी कीमती है। हजूर गौस पाक दी शान और मकाम की। बच्चे सन दो भाई सन आप, हजूर गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी दो भाई सन, ते यतीम हो गए, बाप दुनिया तो चला गया, ते जेड़ा बाप पैसे छाड़ के गया सी ना, उस सन 80 अशरफियां। किनियां? वेखो हिस्सा ते अब्बे दी विरासत ते लैणा हुंदा ना, चाचियां दा ते नहीं ना लैणा हुंदा। जेड़े चाचे ने अपने पुत्रां नूं देना है, जेड़ा बाप है उन्हें अपने पुत्रां नूं देना है। तुसा हिस्सा लैना तो अपने बाप की विरासत विचों, मैं हिस्सा लैना तो अपने बाप की विरासत विचों। जिहड़ी विरासत विचों हिस्सा छड़ के गए सन ना हज़रत अब्दुल कादर जेलानी आप दे वालद, इधर वेख्यो उस सन 80 अशरफिया। तो माँ ने ना हज़रत अब्दुल कादर जेलानी ने एक दिन कोल बिठाया, कोल बिठा के कहन लगी, पुत्र बाप तो तुहाड़ा सिर ते कोई नहीं, तुसी यतीम हो, तो मैं तुहाडे नाल ना इंसाफी नहीं करना चाहती। मां भी किड्डी अजीम होनी है, 40 अशरफियां तेरिया ने ते 40 अशरफियां तेरे भरा दियां ने, जेड़ा तुहानू पिछू हिस्सा मिलिया बाप दी तरफों, 40 तेरिया ने ते 40 तेरे भरा दियां ने, वह 40 दित्तियां ना। तो वेखियो माँ की कहन लगी, माँ कहन लगी, पुत्र अब्दुल कादर मेरा दिल करदा कि तू नबी दे दीन दा आलिम बने। हाँ, एवं पीर नहीं फूका मारन वाले पीर, तवीज़ा बनाने वाले पीर, जिन्हें कदी नहीं नाता वह भी पीर, जिन्हें कदी सफाई नहीं की वह भी पीर, ये लाणती पीर ने, पीरपुर कोई नहीं, दो नंबर ने सारे, दुकानदारियां चमकाइया इन्होंने लोगों ने। मैं बहुत खिलाफ आया उन्हें पीरों के, जेडे दो नंबर पीर ने जिन्हें दीन इस्लाम की तस्वीर न बदल छड़िया, कदी वुजू नहीं किया, कदी नमाज नहीं पढ़ी, कदी कोई नेक काम नहीं किया जी, बड़े पहुंचे ने साडे पीर। मैं क्या अगे जाके पता लगना किडे के पहुंचे ने, पहुंचया वह हो जो नमाजी है, जेड़ा दीनदार है, जेड़ा वुजू विच रहे, जेड़ा अल्लाह अल्लाह करे, जिहदी यारी अल्लाह दे नाल हो जाए। इधर तवज्जो फरमायो जी, बच्चे सन छोटे जे बच्चे, माँ ने आख्या पुत्र है 40 अशरफियां नहीं ते जा बगदाद चला जा। किथे चला जा? किथे चला जा? बगदाद चला जा। अम्मी उत्थे की करां? फरमाया पुत्र उत्थे मदरसा है बहुत वड्डा, दीन इस्लाम दा मरकज़ है, बगदाद उदू मरकज़ सी, उत्थे जाके दीन हासिल कर। ते जांदी वारी मां ने ना पुत्र दा बाजू फड़ के फरमाया, वे अब्दुल कादर मैं वा वडेरी ते तेरा भाई भी है वे, ते मैं तेरे पिछे नहीं आ सकदी। आए हाय,
मैं तेरे पिछे लोगों ने सिर्फ हजरत अब्दुल कादर जलानी की यारवीं खाधी है, उन्होंने पढ़िया नहीं भी है की चीज सन, लंगर सिर्फ खाधा है, उन्होंने सीरत नहीं पढ़ी कि किड्डी अजीम हस्ती ते फिर किड्डिया मुशक्कतां ते मुसीबतां नाल इस मुकाम ते पहुंचे। बच्चे सन, मां ने 40 अशरफिया अंदर सी दितियां, जिहड़ी गुदड़ी पाई सी ना अंदर वार उहदे अंदर सी दितियां, ते फरमाया पुत्तर बगदाद टुट जा, ते इह ना सोची वी मेरी अम्मा मेरा पिछे पता लैण आएगी। जदों कोई मकाम हासिल हो गया तो आप ही आ जाए। सुभान अल्लाह, तवज्जो फरमायो। जदों कुछ बन गया ना तो फिर इत्थे उस्ताद एक थप्पड़ मारे तो सारा खानदान ही मसीदे आ जाता, वो तेरी ऐसी दी तैसी, तू कर ही साढ़े बच्चे मारे, असा बड़े लाडले पाले ने, असा इंज किया स्कूल टुट जाएंगे मास्टर नूं मारन, जिन्हें उस्ताद का अदब अदब नहीं करना वह बच्चा कितों पढ़ना जी। वह जिन उस्ताद का ए जो तुम स्कूलों जाते सो 25-30 साल पिछे टुर जाओ किन्ना किन्ना उस्ताद मारते सन दसो, कभी किसी की जरूरत होंगी सी भी उस्ताद को पूछे भी क्यों इंज किया जे? उदू लोग अदब करते सन, लोगों ने गुड़ दे छड़ना अपने बच्चों उस्तादा जाके दही पुत्र तेरे उस्ताद ने, लोग गन्ने दे छड़ने, लोग छलियां देनिया कि तोहफा देना भी तेरा उस्ताद है, ते बच्चों दसना मावा ने पुत्र जिमें ए तेरा अब्बा है ना इंज उस्ताद भी अब्बा ही होंदा ही, उस्ताद नूं भी बाप का मकाम दमी, तो लोग अदब करते सन। हुण उस्ताद कोलों दी लंघदा होवे तो उस शागिर्द मूँह पर करके गालां कढ़दे हुंदे लै आ गया, फिर पढ़ना भी तो उन्ना ही है ना, फिर पढ़ना भी तो उन्ना ही, जो इलम आया तो अदब नहीं आया, जो अदब नहीं होना तो लभना लभना। इत्थे मेरा दिल लेके हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीर ने जेड़ा तर्जमा पेश किया तेरे दिल की दुनिया ना बदली तो गल करी, हजरत पीरे बाहू फरमांदे ने तस्वी फिरी फर दिल तस्वी फिरे है तस्वी फिरे पर दिल ना फिरे आ की लेना तस्वीर, इधर वेखियो की लेना तस्वीर ए फड़े के हो इलम पढ़िया पर अदब न सिखिया, अजी दी तवज्जो वे मेरे वाले, इलम पढ़िया आ जांदा मैं बड़ा वड्डा मुफ्ती हाँ, आ जांदा मैं बड़ा वड्डा आलम, आ जांदा अब्बा मैं वकील हाँ, आ जांदा अब्बा मैं जज बन गया, आ जांदा अब्बा मैं मास्टर बन गया, मैं ख्या ना 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 तू जो मर्जी बन गया है, तू पुत्र है ए प्यो है, इलम पढ़िया बाबा जी इलम पढ़िया पर अदब न सिखिया ते की लेना, तवज्जो है की लेना इलम पढ़े के हो, पर कुछ न खटिया आए हाय की लेना बाबा जी की लेना चिलिया हे बड़े के हो, अगला मिसरा बड़ा वड्डा जे करोड़ां दा जे होए जा बिना सूफी जी जाग बिना हुए दुध जमे देना
नहीं पवे लाल हम कड़े खड़े के हो जाग बिना कदी जमया दुध जाग थोड़ी भी होवे ते दही बना छड़ दी ते सारा दिन चुल्हे ते रखो दुध नू ते सुबह आखो दही बन गया बनेगा जाग लानी पैनी है ना। हाँ ऐ जे गल किसे वली अल्लाह को जाग लवा लो तेरे सारे पुठे काम अल्लाह सीधे कर छड़ेगा। किसे दे कोल ते जा किसे नू दुआ वास्ते ते कह अल्लाह दे वली जड़ी दुआ करदे ने अल्लाह फौरन कबूल कर लैंदा क्योंकि अल्लाह दे दोस्त ने। बच्चे दे अंदर 40 अशरफियां सीतियां अंदर कुर्ती दे ते फरमाया पुत्र अब्दुल कादर जी अम्मी फरमाया एक काफिला सुबह जाना बगदाद किथे जाना है? पहला काफलिया नाल लोग जाते सन ना कल्ले सफर नहीं काफले जाते सन फिर कट्ठे जाते सन कि काफलिया नूं कोई लुटे ना बंदे ज्यादा होंदे सन ते चलो फायदा हो जाता सी नाले रस्ते का पता चल जाता सी। हजूर अब्दुल कादर जिलानी बाबा जी छोटी जी उम्र सी बचपन सी आपदा ते माँ ने ना अंदर गुदड़ी दे अंदर ना 40 अशरफियां सी दित्तियां 40 इन्हां नूं दित्तियां ते 40 इन्हां दे भाई नूं 40 इन्हां दे ऐ जे जिहड़ा माँ प्यो इंसाफ ना ना करे गल सख्त है कड़वी है जुमले सुन लो जिहड़ा माँ प्यो औलाद दे विच इंसाफ ना ना करे क्यामत वाले दिन अल्लाह उन्हां नूं पुछेगा पुछ होवेगी उस वालद नूं भी पुछ होवेगी उस वालदा नूं भी पुछ होवेगी क्यों रब्बे काबा की इज्जत की कसम है जे औलाद जवाब देवे तो माँ प्यो जवाब देने बोलो एक पुत्र नूं चार दुकाना दे छड़ियां ने दूसरे नूं एक भी नहीं दिती की होया जी मेरी खिदमत नहीं की थी। चल तेरी खिदमत उन्हें नहीं की थी वो अल्लाह नूं जवाब देवेगा तू तो डंडी ते ना मार के जा वालदैन इंसाफ ना चलना चाहिए सारे पुत्रां नूं एक जैसा दियो भावें कोई ना फरमान है भावें फरमा बरदार है ओदे अमल ने अल्लाह उन्हें पुछ लवेगा तुसी ना इंज गुनाहगार बन के जाओ। माँ ने कैसा इंसाफ किया ये नहीं आख्या भी ये सफर से जा रहा तो इन्हें ज्यादा दे छड़ा उन्हें मेरे को रहना तो उन्होंने 40-40 दोवां पुत्र इंसाफ कर लगियां तो जदों अब्दुल कादर चले ना बाबा जुमले सुने जे तो माँ ने बाजू तो फड़िया तो बाजू तो फड़ के कह लगियां पुत्रा तू चलें दीने रसूलुल्लाह दे साहब तू दीन पढ़न जा रहा है तू इस्लाम सीखन जा रहा है तो माँ की नसीहत ही एक याद रखी इतने मावं कर दया ने इतने पता कि नसीहत कर दया ने तेरा चाचा एक करे तू दो सुनानियां ने आंदियां ने कि नहीं आंदियां तेरा चाचा एक करे तू दो अगू करनियां ने कोई दादा गल करे तो अगू पै जाए दादे नूं वेखी तकी जाएगी जे तेनू कोई गाल कढ़े तू इट मार छड़ी आपे तेरा आपा भुगत लेगा ऐ मावं नसीहत कर दया जो हूँ अपनी औलाद नूं उदों मावं जिहड़ियां सन ना अल्लाह दियां वलियां वह की आंदियां सन माँ ने आख्या वे पुत्र अब्दुल कादर जी अम्मी जी आडर आवे फरमाया पुत्र बगदाद जाना है जी अम्मी जी जाना है फरमाया पुत्रा तेरी गर्दन लथ दी है लथ जाई कदी इस जुबान तो झूठ ना बोली कदी चोट जुबान ते ओ ना दे रे हाओ रब्बे काबा दी कसम बाबा जुमले सुन जा यारे हे अल्लाह दा वली अब्दुल कादर जिलानी है हे महबूबे सुबहानी हे सैयद ज़ादा जे काफले अंदर जा रहे ने रस्ते विच चोरां ने काफला लुट लिया मैं गल मुख्तसर करनी जुमले सुनिया रे सारियां कोलो माल लै लिया अब्दुल कादर जिलानी कोल चोर आंदा है आंदा बचिया कुछ है वे हे बच्चा बोल के कहंदा हाँ है वे सारी तलाशी लैंदा कुछ नज़र नहीं आंदा दूसरा चोर आंदा है आंदा बचिया तेरे कोल कुछ है वे अब्दुल कादर फरमाते ने हाँ है वे मेरे कुल 40 अशरफियां ने चोर सारी तलाशी लैंदा कुछ नजर नहीं आंदा अपने मालक चोर कुल जांदा है आंदा बादशाह असा सारे काफले नू लुट लिया है एक 12 साल दा बच्चा है उहदा नौरानी चेहरा है सुनी सुनी उहदा नौरानी चेहरा है उहनू पुछने आ है वे आंदा 40 अशरफियां मेरे कोल मौजूद ने बादशाह असी तला
तलाशी लैने सानू नजर नहीं आंदियां। ओ पादशाह बाबा जी जिहड़ा चोरां दा सरदार है, हजरत अब्दुल कादर जिलानी दे सामने आया, आंदा बच्चिया कुछ माल है वे? आंदा हां है वे। आंदा किथे छुपाया आई? इधर वेखियो बाबा जी, आपने जुब्बा ही उठाया है, थले जड़ी गुदरी पैनी हुई है। अब्दुल कादर फरमांदे ने, है चोरा ये मेरी मां ने अंदर वार सलाइयां ला के सीता होया है, हांदी सी भुख लगी, हे मेरे पुत्रा रोटी लैके खा ली, हे मेरे बचिया मुश्किल वेला आ गया, हे चाली अशरफियां तेरी मां दे रही आ, हे पुत्रा भुख लगी ते खाना खा ली, किसे चीज की लोड़ हुई कपड़ा ले ली। वह बाबा जी चोरां दा सरदार कह लगा, अब्दुल कादर तेरा ना ही अब्दुल कादर है? हाँ मेरा ना ही अब्दुल कादर है। फरमाया बचिया अगर तू चांदा तेरा माल बच सकदा सी। अब्दुल कादर जलानी जलाल विच आ गए, फरमाया चोरा ये माल ते बच सकदा सी, पर मां नूं दित्ती होई जुबान नहीं सी बच सकदे। उन्हें आखिया बच्चिया मैनू खोल के गल सुना, वजह की है? हजूर गौस पाक फरमांदे ने, चोरा मैं सैयद ज़ादा वा, मैं जनाबे ज़हरा दी औलाद हाँ, मेरी मां भी सैयद ज़ादी, मेरी मां ने मैनू टोरन तो पहला नसीहत फरमाई सी, हे अब्दुल कादर पुत्रा जान जांदी है ते जावे, जिंदगी च कदी झूठ ना बोलिया रे, हे मेरे ओ शहजादियो कदी धोखा ना दिया रे, कदी झूठ ना बोलिया रे। अब्दुल कादर फरमान लगे, चोरा मैं मां नू दित्ती हुई जुबान नहीं तोड़ सकदा। बाबा जी चोर कदमां विच डिग पिया, जुमला सुनी, चोर कदमा विच डिग पिया है, अब्दुल कादर दिया पैरां नूं हथ ला के जमदा है, आंदा वाह पुत्रा अज तेरी गल मेरा दिल बदल गई है, तू बच्चा हो गए, तू मां दी ना फरमानी नहीं कीते, साड़ियां इन्नियां जिंदगियां गुजर गईयां ने, असी मालक दी ना फरमानी कर दे गुजर गए। सच्चे दिल नाल तौबा करके कहन लगा, अब्दुल कादर अपना हथ अगे कर। जनाबे अब्दुल कादर ने हाथ अगे कीता, हाथ ते बाबा जी दोबारा ईमान तजदीद दे ईमान कीता, कलमा पढ़िया ते नाले कहंदा होणा आ, जे मन गए सैयद सैयदी ने, हाय 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 झूठ बोलिया। साढ़े बच्चे मिनट में 10 झूठ बोलते हैं। दुकान तो चीज़ लैके आँदी है, ए तरबीयत साढ़े घर में कोई नहीं रही, ना माँ तरबीयत दे रही है, ना बाप तरबीयत कर रहा, झूठ झूठ बोली जा। स्कूलों छुट्टी की थी, उस्ताद ने पूछा कितने से, आख्या बुखार से, झूठ बोल छड़ा, बुखार है कोई नहीं जी, उस्ताद जी साड़ी फोतकी हो गई सी, फोतकी हुई कोई नहीं, झूठ बोलिया कि ना बोलिया? इधर वेखो, और जो बच्चिया ने झूठ बोलना, छोटिया बच्चिया ने, तो इन्हें वड्डिया होके की वली बनना, इन्हें वड्डिया होके दरवेश बनना? नहीं, इन्हें वड्डिया होके भी झूठ बोलना। बच्चे की तरबीयत होगी, बच्चे की तरबीयत। जेड़ा चोरों का सरदार सी ना, उन्हें सारे चोरों जमा किया, उन्हें कहा लो भी गल है जे, मैं सा तुहाड़ा सरदार अज तक, तो जिमें मैं ना सा तुसी करदे सो, मैं हुण तुहानू नहीं कहांगा, मैं तो की जे सची तौबा, हाय हाय मैं तो की जे सची तौबा, तुहाडा दिल करदा तो कर लवो, नहीं करदा तो जिवें मर्जी करो। वो सारे जिन्हें भी है सन ना बाबा जी, वो सारे सरदार के पैरें डिग पे, उन्हें कहा उस्ताद जी जो भैड़े स उदों तुहाडा साथ नहीं छड्या, तो जे हुण तुसी चंगे होए तो हुण साथ छड़ दईए, हुण भी असी तुहाडे नाल हां। 70 चोरां ने उत्थे खलो के दोबारा कलमा पढ़िया और सची तौबा की। है ना कमाल हज़रत अब्दुल कादर जिलानी ने, एक गल ने पूरे 70 चोरों की जिंदगी बदल छड़ी, एक गल ने की सी? झूठ बोलो, झूठ जेड़ी गल सच्ची कर दो अगले नाल, भावें अगले नूं गुस्सा ही लगे, सच्ची करो, झूठ ना बोलो। वक्ती तौर पर जो बंदा झूठ बोलता ना, वह बंदा कहिंदा शुक्र या अल्लाह बच गया, झूठ बोल के बंदे बच जाते ना, जिवें अदालतों च बंदे झूठ बोल के बच जाते ने। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, तवज्जो फरमाओ, एक वकील है ना, वकील
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਉਮਤੀ ਹੋਵੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਝੂਠ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੂਠ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਝੂਠ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾਈਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਬਗਦਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰਮੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ 2-2 ਪਲੇਟਾਂ ਖਾਈਆਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸੁਣੋ, ਸੀਰਤ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਹਬੂਬੇ ਸੁਬਹਾਨੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸੁਣਿਓ, ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ 12-14 ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁਰੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਆ ਬੋਲ। ਆਪਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਇੱਕ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੁਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਲਾਡ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਦ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਰ ਏਡਾ ਡਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਡਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇ ਗੱਲ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲੇਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖੇਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਰੀਦ ਉੱਠੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਓ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ, ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਰੀਦ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਮਹਬੂਬੇ ਸੁਬਹਾਨੀ ਉੱਠੇ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅੱਗੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਧੋਣ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਬ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੈ ਜੇ?
उन्हें इंज नज़र चुकी ना तो नज़र चुक के ना कहन लगा बजुर्गो एडी सोहनी सूरत है ना की जे हजूर फरमान लगे मेरा ना है अब्दुल कादर। की ना है? अब्दुल कादर। उन्हें जो सुनिया ना अब्दुल कादर पैर च डिग पिया हजूर तुसी अब्दुल कादर जलान दे रहन वाले? आपने फरमाया हाँ मैं अब्दुल कादर हाँ। कहिंदा हजूर जलेबियां ही तुहाडियां ने। आपने फरमाया तू एक इंज किवें कीता? कहिंदा तुहानूं अपनी गल सुणावां आ वेखो किन्नियां बंदियां दे काम बनन लगे जे एक बंदे दे नाल। हाँ इंज दी जिंदगी गुजार लोकां दे काम बनन लोकां नूं नुकसान ना होवे तेरे नाल तेरी बोलन नाल तेरी दुकान नाल तेरे कारोबार नाल लोकां दा भला होवे। आखन लगा हजूर वह जलेबियां लगन लगा हजूर गल पता की है चंद साल मेरा कारोबार जड़ा ना चंगा रहा तो उस तो बाद ठप हो गया कोई गाहक ना आवे धियां सन जवान हो गई तो बहुत परेशान सा तो मैं एक बंदे ने मशवरा किया उन्हें मैनू ना अराक भेजिया उन्हें कहा उत्थे कल्ला दा वली उहदे कोल दुआ करवा ते तेरा कारोबार ठीक हो जाएगा। इधर वेखियो वो बाबा जी जलेबियां लग्या मैं उत्थे टुर गया मैं उत्थे जाके कहा हजूर तुहाडे कोल मैनू किसे भेजिया दुआ करो कारोबार ठप हो गया कोई चीज़ नहीं। वो अल्लाह दा वली कहन लगा मैं तो दुआ नहीं कर सकता पर तैनू एक बूआ दसना तैनू एक बूआ दसना उत्थे चला जा तेरी दुआ कबूल होवेगी जिहड़ी वो दुआ करेगा। आंदा मैं हजूर उन्होंने कहा भी वह किड़ा उन्हें कहा जी जलान का रहने वाला एक वली है तो सिर्फ वली नहीं वलिया का भी सरदार है ना अब्दुल कादर जलानी है आए हाए हाए ना अब्दुल कादर ऐसे वास्ते आल अली लाने कह रहे हैं वा वली अल्लाह दे वे मरे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वली अल्लाह दे तवज्जो करियो हे वली अल्लाह दे हे मरे दे नहीं थे कर दे परदा पोशी हे की होया जे दुनिया तो थे टुर गए नाले खामोशी। आंदा हजूर इधर वेखियो बाबा जी हजूर मैं तुहानू लभदा पिया सां तुसी मैनू लभदे नहीं सो अज वेखो कैसी करनी हुई है तुसी आप मेरी दुकान ते आ गए हो। क्या बात है यार इन्हां दे वलियां दी हजूर गौस पाक दी तुसी आप मेरे बूवे ते आ गए हो तुहाडा कदम लग गया। हजूर गौस पाक फरमाने चल ठीक है जलेबियां दे उन्हें जलेबियां दित्तियां ते पैसे ना लवे कहिंदा हजूर तुहाडी इन्नी मेहरबानी है तुहाडा कदम लग गया मेरी दुकान च मैं पैसे नहीं लैने लोगों को पैसे बड़े ले फरमाते मैं असा इंज लैनिया ही नहीं। जे को अज का पीर होंदा कहिंदा चंगा दो किलो होर तोल दे आहो जे को अज का होंदा वह फिर उन्हें वो जान ही नहीं सी छड़नी उस दुकान की भी मेरे ही हया करता मैं फ्री देंदा वे वह फिर उका ही बाबा जी वह काम छिड़ जो कारोबार हों भी बंद हो जाता पीर के आने वह इंज के पीर नहीं सन लालची पैसे का लालच चीज़ों का लालच। आपने फरमाया असा नहीं लैनिया तेरी दुकान तो जे तू पैसे नहीं लैने चलो आपने फरमाया किन्ने ने हजूर फिर अपनी मर्जी नाल दे छड़ो आपने जिन्ने बनते सन उस तो ज्यादा दिते ऐ वेखो यार अल्लाह वाले जे उन्हां दी जिंदगी वेखो सीरत वेखो घट नहीं दिते जिन्ने बनते सन किन्ने ज्यादा दिते वध दिते। अच्छा जी कहन लगा हजूर चुट चले हो जी दुआ करिया जी मेरे वास्ते। आपने फरमाया जरूर करांगे। हजूर गौस पाक तुर पे उत्थे जाके बच्चे ने जलेबियां दित्तियां बड़ा खुश होया दुआ देन लगा बुजुर्गो अल्लाह तुहानू जिंदगी दवे। वह दूसरे नू पता लगा उन्हें कहा इहनू बाबे जलेबियां लिया दित्तियां ने मैं भी जाना वेखो वेखी तुहानू पता ना बच्चियां दी आदत हुंदी। वह दूसरा भी आ गया हजूर उहनू दित्तियां जे सानू भी दवो आ फिर तुर गए। मुख्तसर करा फिर जलेबियां लैके आए बाबा जी जदों लिया के दित्तियां ना सारे बच्चे बड़े खुश एक अब्दुल कादर जिलानी है सारे बच्चों भी खुश कर गया।
तो वह दुकान वाला कहता है कि जिनी वारी गोस पाक आए ने मेरी दुकान च कदम लगते रहे अल्लाह की इज्जत की कसम है उस दिन तू लैके मैनू कभी घाटा पिया ही कोई नहीं मैनू कभी घाटा पिया ही कोई नहीं अल्लाह इंज की बरकत दे छड़ी अल्लाह इंज की बाबा जी रिजक विच बरकत जेड़े बंदे आना उतों ही जलेबियां लैनियां जेड़े बंदे आना उतों ही जलेबियां लैनियां उन्हें आखना मैं लोगों नूं पुछिया मेरी दुकान ते क्यों आंदे हो ते खा के कहन लगे सानू बड़ा मजा आंदा तेरियां जलेबियां विच ओ मजा आए जेड़ा पूरे बाजार दियां किसे दुकाना ते मजा नहीं उन्हें रोना उन्हें आखना लोगों ये जलेबियां दा कमाल नहीं ये गोसे आजम दा कमाल मेरा की आर्मी आला पीर मेरी दुकान दे आया है उन्हें कदम रंजा फरमाया है मैनू ईमानदारी ना बाबा जी दसिया रे है वली होवे ते अब्दुल कादर जेलानी वर्गा है जिन्ना मिंबरे रसूल ते कुरान पढ़िया है जिन्ना मिंबरे रसूल ते नबी दी हदीस पढ़ी है सारी दुनिया नू पैगाम दे गए ने है असी अल्लाह आले बाबा जी जुमले सुनियो ते दो चार मिनट अंदर मैं तकरीर छड़न लगावा हजूर अपने हुजरे अंदर बैठे हुए ने एक नौजवान रोंदा रोंदा गोस पाक दे कोल आ गया आखन लगा बाबा जी राती मेरा बाप मैनू ख्वाब विच मिलिया है उन्हों जहन्नम दी अग ने साड़िया होया है उहदी कबर विच जहन्नम दी अग भी बलदी है मैनू ख्वाब विच मिलिया है आंदा पुत्रा तेरा बाप बड़ा परेशान है हे मेरिया शहजादिया कबर दा अज़ाब बड़ा डाडा है हे मेरिया पुत्रा सुबह जावी बगदाद आले पीर कोल जाना है गौसे आजम तो बच्चो जी गौसे आजम कोल जाना है अब्दुल कादर जिलानी कोल जाना है उथे जाके उस अल्लाह वाले नू आखना है तुसी अल्लाह आले हो अल्लाह तुहाडा है तुसी अल्लाह दे हो मेरे अबे दे हक विच दुआ कर यारे सियालकोट विच बैण आलियो बोंगे दी जामिया मस्जिद विच आउण आलिया जुमले जाया ना कर जाया रे हजूर गौस पाक दे मुसल्ले दे सामने बह गया है हजूर गौस पाक फरमांदे ने बचिया तेरा अब्बा मेरा मुरीद है आंदा हजूर नाना फरमाया मेरे आस्ताने ते आया है हजूर नाना फरमाया मैनू वेखिया है सुनी सुनी मैनू वेखिया सो आंदा हजूर मैनू नहीं पता हवा फरमान लगे मेरी गली चों गुजरिया है आखन लगा हजूर मैनू इलम कोई नहीं इत्थे बाबा जी जुमले सुने आ रहे हजूर गौस पाक ने हाथ चुक लेने फरमाया पुत्रा जा सौ जा सुबह आके मैनू दसी तेरे बाप नाल की बनी इधरों ये गया है जनाबे गौस पाक ने मुसल्ला पा लिया है मुसल्ला पा के नफल पढ़ी जा रहे ने आए हाय नफल पढ़ी जा रहे ने नफल पढ़ी जा रहे ने ते नाले आंदे होने ने रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम बगदा तवज्जो जी हर दम बगदा तेरा है जे एक कतरा अज मंगो दुआ पता नहीं किदे ते अल्लाह दी रहमत हो जाए किदे ते अल्लाह दा फजल हो जाए है जे एक कतरा है बखे छे सानो ते कम बन जांदा साडा मुक गए जी गल जी इधर वेखो मेरे वाल आपने तहज्जुद तक दुआ कर दे रहे या अल्लाह मैनू चंगा समझ के आया है मैं उंज चंगा तो नहीं जे तेरी मखलूक मैनू चंगा समझदी है हज़रत अब्दुल कादर जिलानी दे अल्फाज ते मौला तू तो जानना ना मेरी तेरे अगे वे इन्हां दी मेरे अगे ते मेरी तेरे अगे या अल्लाह दे बाप नू बख्श दे रात पई ख्वाब विच बाप आया उन्हें कहा पुत्र जा जाके ना हजूर गौस पाक नू मुबारक दे उन्होंने कह तुहाड़ी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है अल्लाह ने मेरे कब्र के अजाब को नजात दे छड़ी है बाबा जुमले सुनियो वह दौड़ दौड़ आया फजर तो बाद हजूर मेहरबानी
हजूर गोश पाक फरमाते का दी हजूर तुसी दुआ की मेरे अबे का छुटकारा हो गया। आप फरमाते मैं कौन हाँ करण आला तो होवे करण आला कौन है अल्लाह करण आला कौन है कुछ ही बोलो करण आला कौन है अल्लाह असी कुछ नहीं असी कुछ नहीं। मियाँ साहब ने ऐसी तर्जमानी की है ना बाबा जी इनू शेर ना समझो यदि गहराई तक जाओ तो बंदे पता लगता भी अंदर गल की है। हजूर गोश पाक हाथ जोड़े फरमाया असी कौन हाँ करण आला तो अल्लाह है ते मियां साहब नू पुछिया ते खड़ी दा ताजदार आंदा माली दा तवज्जो कीती तुसी बड़ा वड्डा शेर जी माली दा कम पानी लाना आए हाय हाय माली दा ओए लोको असी सारे माली माली दा कम पानी लाना ते मर पर मशका लावे ते मालिक दा इधर वेख्या जे मालिक दा कम फल फुल लाना ते लावे याना लावे ए ते मालक दी मर्जी है ना जी वो लावे।